वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी ZenFS। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। सो आज का व्लॉग होने लगा है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं रहूंगी घर में अकेली पूरा टाइम। आज मैंने जो चैलेंज सोचा ना, वो ये है होम अलोन फॉर 24 आवर्स विदाउट पेरेंट। मतलब मामा ही ऐसे बाबा तो बाहर है, लेकिन बहने वगैरह जो है वो सारी पार्लर जा रही है। मैंने उनको कहा भाई मैंने नहीं पार्लर जाना, मैं करूँगी भी क्या, वहाँ जाके मैं घर में पढ़ाई करूंगी, वो आप लोग ही पता है ना क्या करूंगी घर में अकेली। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब मैं रहती हूँ घर में अकेली, लेकिन ऐसे मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया और शरारतें नहीं की। इस बार मैं सोच रही हूँ कि खूब सारी शरारतें वगैरह करूँ, ठीक है, इन लोगों को भेज भूज के घर से निकाल के इनको आउट करके ना इंजॉय करेंगे हम लोग घर में। सही है, वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। गाय मुझे डर लग रहा है कि कोई सुन ना ले, क्योंकि अगर उन लोगों को पता लगा कि मैं शरारतें घर में करूँगी तो फिर तो ये लोग मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। तो अभी चलते हैं सबकी तरह आराम से नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। ओके गाइस, सो फाइनली अब ये लोग जा रहे हैं घर से बाहर। सही है, तो हेलो, तुम सब बाहर जा रहे हो? जी हम जा रहे हैं। जान से घर का ख्याल रखना, खा पी लेना, रोजा भी आराम से खोल लेना, शरारत कोई नहीं करनी। मेरा रोजा जो है वो इधर ही खुलेगा। सही है, और ऑब्वियसली ये लोग रोजे में हो गए, आप लोग यहाँ पे नहीं, हमने नहीं होना यार, मुझ पे सब छोड़ दो। घर मेरे पास आएगा तो घर मेरे पास बिल्कुल सेफ तरीन तंदुरुस्त रहेगा। सही है, मैं सही कह रही हूँ। मुझे क्या मुझ पे एहसान करना, के मुझ पे कोई एहसान, चले आप चले यहाँ से। मैं घर कंप्लीट करूंगी, सफाई रखूंगी पूरे घर की। पे मैं भरोसा करके तुझे अकेला छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है ना? मेरे भरोसे को तोड़ना मत, क्यूट बच्चे। यार मूवी देखी है एक, जिसके अंदर माँ बाप घर छोड़ के जाते हैं, घर के अंदर से वो कॉटन कैंडी वाला उछल के बोला मेरे पास इतना दिमाग है। जरम ने कोई एक्सपेरिमेंट सॉरी करना है, और जब हम घर आएंगे तो घर फट रहा होगा, घर फट रहा होगा। मैं अम्मा ऐसा नहीं होगा, वीडियो कॉल करती हूं। चलो चलो जाओ, जल्दी से निकल जाओ मेरे घर से, निकलो राबिया मेरे घर से, अब ये मेरा घर है पूरे टाइम के लिए। बाय। ओके गाइस, सो फाइनली मैं हो चुकी हूँ होम अलोन फॉर 24 आवर्स। नहीं 24 आवर्स, इसका मतलब मुझे सोना भी पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने इफ्तारी के बाद थोड़ी देर बाद 9-10 बजे आ जाना है, तो मतलब ये हो जाएगा कोई डे, मतलब होम अलोन जो होता है। सही है, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, वेरी एक्साइटिंग गाइस। वो देखो जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी, और मेरा रोजा भी आज से है। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं सोफे पर कूदूंगी, क्योंकि मामा ने मुझे सोफे पे मना किया हुआ। तो मैं सबसे पहले जो ऊपर के कपड़े है ना उसको उतार दूंगी और जंपिंग दबा के जंपिंग करूंगी, क्योंकि स्प्रिंग वाले सोफे होते हो और आप लोग को पता है पेरेंट्स इन पे जंप नहीं करने देते क्योंकि स्प्रिंग टूट जाते हैं। और मुझे ना पैसों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इफ्तारी के बाद भी तो कुछ सुनता होगा ना, भूख लगती है यार काफी ज्यादा। तो आज बहुत मजा आने वाला है गाइस। ये है सोफे, तो इनको हम करेंगे अनपैक। सबसे पहले इसको नीचे फेंकेंगे, इसको उतार देंगे हम लोग। इसको इसलिए उतारी हूँ क्योंकि इस पे जंपिंग करने का ज्यादा मजा आता है, और मैं कैमरा लगाऊंगी वहां पे और जंपिंग करूँ यहाँ पे। लेट्स गो। दरवाजा हम कर देते हैं बंद, यू नो, ताकि चोर और भूत वगैरह ना आ जाए। और गाइस, कैमरा मैंने कर दिया है स्टार्ट, अब हम क्या करेंगे, जंप करेंगे। यार यहाँ मम्मा मुझे पता लगा क्यों नहीं करने देती, क्योंकि यहाँ पे इतना मजा आ रहा है जंपिंग करने का। कोई भी नहीं है घर में, पागल हूँ। नहीं मैं पागल नहीं हूँ, अगर ये सोफा टूट गया तो हु केयर्स। मुझे आवाज आई है कुछ टूटने की, एक मिनट, क्या मैं मोटी हो गई हूँ? कुछ भी नहीं टूटा, बहुत मजा कर लिया, आपको छोड़ करते हैं। और गाइस, सो मैंने ना एक चैलेंज देखा था, सही है, जिसमें वो ना क्या करते हैं, स्टेयर्स होती है ना ये हमारी जो बार सीढ़ियाँ, ऊपर से वो ना वो जो प्लास्टिक नहीं यार, वो जो गत्ते के वो बॉक्सेस ही होते हैं, उसको वो ना यू करके स्लाइड बनाते हैं। लेट्स गिव इट अ ट्राई, और अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, ढूंढते हैं वो वहाँ पे गत्ते शत्ते वगैरह है जो भी उनको कहते हैं, तो उनको हम स्टेयर्स पे बिछाते हैं और करते हैं यू, क्योंकि मामा घर पे नहीं है और बहनें भी घर पे नहीं है, तो आई कैन डू व्हाट एवर आई वांट टू डू। सही है, तो लेट्स गो। अच्छा, तो मैं इन स्टेयर्स में जो है ना वो बिछाऊंगी। अभी हम लोग जल्दी जल्दी से ऊपर चलते हैं और वो गत्ते शत्ते ढूंढते हैं, सही है, और उनको स्टेयर्स में बिछा के हम लोग स्लाइड लेंगे। बल्कि मेरे पास एक बेटर आइडिया है, व्हाट इफ वी डू लाइक दिस, के हम लोग ये हम लोग क्या, मैं ये जो मैट्रेस है इसको स्टेयर्स पे बिछाऊं और स्लाइड लेकर आऊं, ये भी हम कर सकते हैं। जल्दी से इस मैट्रेस को निकालते हैं और स्लाइड लेते हैं, जल्दी से हम लोग इस मैट्रेस को निकालते हैं। ओहो यार ये क्या है, ऊपर इतने मोटे मोटे बाबा ने वो रखे हुए, पकड़ में ही नहीं आ रही है, आ गया पकड़ में फाइनली। यार यहाँ पे इतना गंद हो गया, आज सुबह ही मामा ने आज से सफाई करवाई थी, ठीक है, और अभी तक हो गया, बट स्टिल हो गया, इस घर में अकेली हूँ मैं, एंजॉय करते हैं। गाइस अब हम इस मैट्रेस को हम लेकर चलते हैं नीचे,
स्टेयर्स में मैं या तो ये वाली स्टेयर्स पे कर सकती हूँ या नीचे वाली स्टेयर्स पे। तो आई थिंक सो नीचे वाली स्टेयर्स पे ज्यादा मजा आएगा, तो वहीं पर ही करते हैं हम। यहाँ पे छोड़ो ऊपर वाली करते हैं, यहाँ पे मैं सीधा सीधा ना कैमरा रख सकती हूँ, आप सबको दिखा सकती हूँ। तो लेट्स गो। और गाइस सो कैमरा मैंने सेट कर लिया और हम लोगों ने पौधा भी पीछे कर लिया, वैसे ये झाड़ू भी पीछे कर लिया। अब हम लोगों ने ये मेटल जो है यहाँ पे करना है और बिल्कुल स्लाइड लेकर हमने नीचे आना है। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओके गाइस सो हम लोगों ने जो है वो मैट्रेस जो है वो पकड़ लिया हुआ है। अब हम लोग कैसे करें इसको, मैं सोची ऊपर पहले जाते हैं ना हम लोग, इसको ये करते हैं। हम लोगों ने इसको पहले यहाँ पे करके बिछा। ओ यार ये कितनी अच्छी स्लाइड बन जाएगी वैसे, इन माय ओपिनियन शायद। खुद ही नीचे चला गया मेरे बिना। इधर आओ, आई हम लोगों ने इसको करना है और खुद इसके साथ नीचे आना है। आर यू गाइस रेडी? रुक जाओ, यू गाइस रेडी? लेट्स गो। पहले ऊपर जाते हैं, सबर करो, ऐसे ऐसे। लेकिन यार मुझे उल्टा होकर डर लगता है कि कहीं मैं कहीं गिर ना जाऊं। वो एक काम करते हैं, बल्कि नहीं लेट कर जाते हैं। लेट्स गो। तो अब हम लोगों ने क्या करना है इसको, मेरी कमर। गाइस वैसे मुझे बहुत मजा आया क्योंकि ये चीजें मैं मामा के होते हुए नहीं कर सकती और बहनों के होते भी नहीं कर सकती। अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं इसको, अभी हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, अभी कमरे में आते हैं और तलाशी लेते हैं घर वालों की, घर में। अच्छा तो ये है हीरू का कमरा, तो मैं क्या सोच रही हूँ हीरापी के कमरे से उसका कोई न्यू मेकअप निकाला जाए। लेट्स गो गाइस, आज मैं उसके सारे ब्रांडेड परफ्यूम्स यूज करूंगी। ये है कोई कैल्विन क्लीन का, तो हम लोग इसको यूज। इसका ये मैंने नहीं तोड़ा, सही में ये मेरे पास नहीं था। ये क्या बदतमीजी है, मैंने नहीं तोड़ा इसको, ऐसे रख देता हूँ। ये डियोर का कोई है परफ्यूम, इसको खूब सारे लगाते हैं। ओ यार ये मेरे मुंह में जा रहा है, मेरा रोज है, बहुत ज्यादा हो गई है इसकी स्मेल। बहुत परफ्यूम यूज कर लिया, अभी रापी के ब्रांडेड मेकअप पे चलते हैं। यार गाइस रापी ने पता नहीं अपना मेकअप कहाँ पे रखा हुआ है, तो मुझे मिल ही नहीं रहा उसका मेकअप, पता नहीं उसे कहाँ छुपाया हुआ है। हम लोग उसके अलमारी में चलते हैं। यार ये उसकी अलमारी इतनी गंदी क्यों हो रखी है, लेकिन ये भी अलमारी है तो इसमें से क्या ही अब मैं ट्राई। अच्छा उसने ये दोनों ड्रॉर लॉक किए हुए हैं, इसमें ऐसा क्या है, मुझे इसकी चाबी भी नहीं मिल रही, मुझे क्या पता इसकी चाबी कहाँ है, मैं देख ही नहीं पाऊंगी। श्योर यार अब हम लोग फातिमा के रूम के बेड पे जंपिंग करेंगे। यो हो आ ये क्या नीचे, यार ये देखो फातिमा के काम, उसने एयरिंग नीचे बेड पे फेंके और अगर मेरे पाँव में आ जाते तो लेट्स गो। ये मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, लेकिन अभी भी कुछ मस्ती करना बाकी है हम लोग, और क्या कर सकते हैं यार, क्या करूं मैं। और गाइस सो अभी मैं कब से बैठी हुई थी और सोची थी कि व्हाट टू डू व्हेन यू आर होम अलोन, तो यार इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, सही है मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना है। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, घर में स्केटबोर्ड चला सकते हो अपना, वो जो मेरा बार पड़ा हुआ है मैं घर में शुर शुर करके चलाऊंगी, उसके बाद फिर स्टेयर्स में कुछ और करूंगी, उसके बाद खूब मजे करूंगी, क्योंकि मैं वो चीज़ें करना चाह रही हूँ जो मैं मामा और बहनों के साथ होते हुए नहीं कर सकती। लेट्स गो। और गाइस सो मैं स्केटबोर्ड लेके आ चुकी हूँ, अब मैं यहाँ कैमरा फिक्स करूंगी और स्केटबोर्ड चलाऊंगी। ओके गाइस सो स्केटबोर्ड हमने रख दिया हुआ है, इस मैट को हम पीछे करते हैं क्योंकि मेरे स्केटबोर्ड के रास्ते में आएगा। लेट्स गो। यार यहाँ पे बहुत ही स्लिपरी है, इसलिए नहीं हो पा रहा है मुझसे, मैंने इतना अच्छा सीखा था सबर करके। हम यहाँ चलते हैं, लेट्स आओ। गाइस मुझे गिरना नहीं है, आई कैन डू इट, मामा नहीं है वो मुझे करने नहीं देती है इस काम। अगेन करते हैं, रहने दो यार मुझे ऐसे चोट लग रही है। अब देखना मैं बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह कैमरे तक आऊंगी, मुझे आ गया करना। ओके गाइस लेट्स गो, आई कैन डू इट, मैं यहाँ से आऊंगी और वहां तक जाऊंगी, सही हो गया। उन्होंने कहा था यहाँ पाओ रखने आपने, यहाँ पे जाते हैं, लेट्स गो। एक और करना पसंद करूंगी मैं, अब देखना। यू गाइस रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। यार मुझे इतनी अच्छी टेक्निक आती है और अभी हो ही नहीं रही है मुझे, अभी छोड़ो मम्मा ने देखते हैं मुझे डालना है। ओके नेक्स्ट मैं क्या करूँ,
जैनब कुछ अपना दिमाग लड़ाओ यार, तुम अकेली हो घर में तो कुछ सोचो, तुम क्या कर सकती हो अगर अकेली हो घर में। मेरे पास एक आइडिया है, वो स्टेयर्स का वो जो डंडा नहीं होता, वहां से नीचे उतरे, लेट्स गो। गाइस ये काफी नीचे तक जा रहा है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर बैठना है और नीचे तक आना है। कैमरा लेकिन कहाँ रखूंगी, कहाँ रखूँ यार। हम लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं, हम ऐसे बैठते हैं क्योंकि मैं कैमरा नहीं कहीं रख सकती ना। ओ मेरे एक हाथ एक काकुटी, कहाँ ना रखूँ कैमरा। गाइस ये मोस्ट प्रोबेबली फेल जा रहा है क्योंकि मुझे कैमरा ही नहीं रखना आ रहा, मैं कहाँ पे रखूँ कैमरा। मुझे एक चीज़ याद आई, मामा ना कह रही थी कि जब एसी ऑन करना हो ना तो मुझे बता के ऑन करना, क्योंकि बाबा यहाँ नहीं है, उन्होंने कोई पता नहीं पीछे से करना होगा, सही है क्योंकि अभी सर्दियाँ थी तो नहीं ना होता, अब शायद पीछे से कुछ सेट करना हो। तो मैं कल रात को मामा से कही थी मुझे एसी ऑन करना है, तो मामा ने कहा था कि बाबा कह रहे थे उनको बता के करना, लेकिन वो सो रहे थे बाबा क्योंकि टाइम चेंज है वहाँ का। तो मैं सोची हूँ एसी ऑन कर लेता हूँ कमरे का, ऑन करके फुल एंजॉय चिलिंग करते हैं, और फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, रोज़ा भी खुलने वाला है, बिल्कुल आधा घंटा रह गया, तो मैं सोची हूँ कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूँ क्योंकि घर में तो कुछ है नहीं, मैं क्या करूँ। ओ एक मिनट, पैसे तो है नहीं मेरे पास, मुझे ढूंढना पड़ेगा मम्मा के कमरे से, लेकिन पहले हम एसी करते हैं। ओ गाइस तो रोज़ा खुलने में बिल्कुल 10 मिनट रह गए हैं, सही है। तो अभी मैंने बोला क्या करना है, हम लोग मामा ने तो मुझे बोला था कि आपने किचन से बाहर से कुछ नहीं मंगवाना, किचन से बस क्या नाम है कुछ फ्राई वगैरह कर लेना, सही है, लेकिन फिर उनकी कौन सुनता है यार, मैं होम अलोन हूँ, मेरी मर्जी मैं जो मर्जी करूँ। तो अब मैं खजूर खा लूँगी, खजूर से रोज़ा खोलूँगी और उसके बाद खूब सारा पानी पीऊँगी, जामे शीरी बनाऊँगी। वैसे हाँ पता है मुझे कैसे बनाता है, इतनी भी डम नहीं हूँ यार मैं। अच्छा खैर, और फिर यार एक मिनट, बाहर से अगर कुछ मंगवाना तो पैसे तो चाहिए होंगे, और मामा इतनी चलाकियां लड़ा के गई हैं, मामा ने मुझे बताया भी नहीं है पैसे कहाँ पे हैं। अब अगर घर में पैसे ना हो तो मैं कुछ मंगवा ही नहीं पाऊँ क्या, मुँह की मर जो, नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता। अब मैं क्या करती हूँ, पैसे ढूंढती हूँ, उसके बाद हम इफ्तारी वगैरह करते हैं, बनाते हैं और फिर ऐसे चला के इंजॉय करेंगे। यार सबसे पहले हमारा काम यह है कि रोज़ा खुलने में सिर्फ 5 मिनट अब रह गए हैं, सही है। तो मैं जल्दी से खजूरें निकाल के बाहर रखती हूँ, जामे शीरी बनाती हूँ, उससे रोज़ा खोलती हूँ, उसके बाद जो मेन कोर्स है ना वो बाद में खाते हैं। गाइस मैंने एक खजूर निकाल ली है, अब मेरा काम है जामे शीरी बनाना, लेकिन मुझे नहीं पता जामे शीरी पड़ा कहाँ हुआ, ये दूसरी चीज़ें ज़रूर पड़ी है लेकिन मुझे नहीं पता लग रहा कहाँ पड़ा, ये क्या हो गया यार। यार जामे शीरी नहीं मिल रहा, कहाँ पे पड़ा हुआ है मुझे पता ही नहीं है क्या, मुझे बहुत प्यास लग रही है इस वक्त, रोजा खुलने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। यहाँ खजूर से अभी तो गुजारा कर लूंगी, लेकिन मुझे कुछ पीना भी तो है, जामे शीरी नहीं मिल रहा है। टेड़ो टेड़ो, फाइनली गाइस मुझे जामे शीरी मिल गया, अब मैं इसको पानी में डाल के बनाऊंगी, लेट्स गो। और गाइस सब पानी वगैरह जो है वो मैंने, ये क्या हो गया, नो वे प्लीज यार, मेरी मामा ये व्लॉग ना देखे, मैं लिटरली प्यारे तरीके से पकड़ा था, गिरा कैसे, मेरे हाथ में कुछ लगा भी नहीं हुआ, मैं इसको साफ कैसे करूँ, मेरे पाँव में भी लग रहा है। आई यार रोजा खुलने में सिर्फ 1 मिनट रह गया, मेरा रोजा बर्बाद हो रहा है यार, ये क्या हो गया है मेरे साथ, मैं क्या करूँ इसके साथ, मुझे इसको सफाई करना पड़ेगा। आराम से हम यहाँ से गुजरते हैं, बस मेरे पाँव में तो नहीं लगा, शेट पाँव में चला गया, 1 मिनट रुक जाओ, इसका क्या मैं करूँ अब, इसको मुझे साफ करना पड़ेगा यार। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मा मुझे डांटेंगी, उन्होंने मना किया था इसे करने से, चीजें खराब, उन्होंने कहा था घर चुपचाप बैठी रहना। ओके गाइस सो अब सबसे पहले, ओके गाइस मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे बहुत अच्छा काम किया, सबसे पहले हम लोगों ने इसको उठाना है ध्यान से क्योंकि कान पाँव में लग जाएगा, ध्यान ध्यान से, अरे और दूसरा कान तो नहीं है, पता लगे मेरे किसी पाँव के नीचे आ रहा मेरा पाँव टूट जाए। यार मम्मा ने मुझे ना सच्ची मुची बख्शना नहीं है, उन्होंने मुझे कहने यार जाना, मैं तुम्हें इसलिए घर छोड़ कर गई थी, आईने कहा मुझे इसके बाद घर नहीं छोड़ के जाएंगे। लग गया कांच मुझे यहाँ पे, देखो यहाँ ब्लड निकल रहा है। अब मैंने दुआ पढ़ के रोजा अपना खोल लिया, लेकिन अब खाना तो और जामे शरीफ भी तब बनाऊंगी ना जब ये मैस सारा कंप्लीट करूंगी, ऊपर से मेरे हाथ पे भी लग गया लेकिन नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा लगा। अब इसको सफाई करते हैं यार, ये भी गिरा यार, कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब मुझे कपड़ा पकड़ना आएगा, ये वाला पकड़ लेती हूँ, इससे सफाई करते हैं हम यार। लेकिन ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ये होएगा, वरना अक्सर ही होम अलोन्स में लोग तोड़ तोड़ देते हैं कोई चीजें, और मैंने अपने आप से तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसमें इतना कांच है यार। अब मैं मम्मा को बता दूं या ना बताऊं, क्योंकि यार यहाँ पे अगर छोटा मोटा कांच रह गया तो मामा के अगर पाँव पे लग गया तो फिर क्या होएगा। तो अब हम यही कहेंगे मामा को, मैं बता दूँ या ना बताऊँ, बताना आ यार ये कितना टफ काम है, मैं कैसे करूँ इसको। काम करती हूँ, इसको डिस्पेंसर के नीचे रख देते ताकि किसी के पाँव में ना आए, ये तो गीला हो गया, आई इतना पानी भी ऊपर उसके अंदर था तो वो सारा लग गया। मैं इसको यूं करके पकड़ती हूँ,
क्योंकि किसी के पाँव में लग गया तो फिर क्या होगा। एक काम करती हूँ, वाइपर से मारती हूँ, वाइपर लेके आते हैं। और गाइस अब हम लोग वाइपर से करेंगे सब मच्छी, तू तो हट जा, मच्छर है ना। अब हम इसको यहाँ से यूं यूं करेंगे। अभी सारा मेस कंप्लीट होता है तब आपको दिखाती हूँ, क्योंकि कैमरा पकड़ के मुझसे नहीं हो रहा और मैं अकेली हूँ तो कोई हेल्प भी नहीं करने वाला। और गाइस फाइनली मैंने साफ कर लिया, आप लोग देख सकते हो पहला कैसे था और अब कैसे, अब कोई कांच तो नहीं बड़ा बस सही है, लेकिन फिर भी मामा को बता दूंगी क्योंकि अगर कोई वो चल रही उनको पता नहीं चला तो फिर इसलिए। तो अभी हम लोग खोलते हैं रोजा मेरा, अब खुल रहा है 2 मिनट बाद। मजा आ गया यार पीकर, देखो अभी भी यहाँ पे कांच पड़ा हुआ। अल्लाह करे प्लीज यार पाक मामा ये व्लॉग ना देखे, नहीं तो मैंने शुम हो जाना है, लेकिन फिर भी मैं खैर बता ही रही हूँ उनको। खैर सब मुझे लग रही है भूख, ये सब हो गया, मैं इतना थक गई हूँ, मेरा कोई मस्ती करने का दिल नहीं कर रहा, बस अब पैसे ढूंढने हैं। मैंने पहले ऑर्डर करते हैं, ठीक है ऑर्डर आते हैं देखते हैं पैसे कहाँ पे पड़े, नहीं तो उनको ऑनलाइन कर देंगे, लेकिन अभी मुझे पैसे ढूंढने पड़ेंगे। गाइस अब हम लोगों को देख क्या करना है, मम्मी के रूम का एसी चलाना है ठीक है, उसके बाद हम लोग खाने पीने का देखते हैं ऑर्डर करें, क्योंकि अब मेरी भूख ही मिट गई है सही है। लेकिन मैंने रोज़ा तो खोल लिया हुआ है ना, तो ऑर्डर मेरा वैसे मैंने कर दिया हुआ है ठीक है, रास्ते में है, बस पैसे वगैरह ढूंढने हैं और हम करेंगे एसी ऑन। क्या डर लग रहा है, मामा ने मना किया था कर दिया, हो गया एसी ऑन नहीं हुआ, वो भी मैं जरा रिमोट से करती हूँ। गाइस मैंने एसी चलाया नहीं और मैं बैठ गई थी फोन यूज करने के लिए सही है, क्योंकि एसी का रिमोट अब कहाँ पर चला गया। लोल भूख अब मुझे ना पागलों वाली लग रही है, ऑर्डर भी करना है, फ्राई करने का मुझे दिल नहीं करा, मामा ने कहा था फ्राई करो, लेकिन नो हम एसी जाते और फिर पैसे पकड़ते और ऑर्डर मेरा बस आने वाला है। गाइस खाना मेरा रास्ते में, उतनी देर हम लोग चिलिंग करने के लिए हम लोग एसी चला देते हैं। आए चल गए 25 पे चल चुका है सही है। ओहो ये तो वो ऑन हुआ हुआ है सूरज वाला, मतलब हीट देने वाला, तो हम मोड इसका करते हैं फ्रोजन पे, फ्रोजन भी रखते हैं ना, ये हो गया फ्रोजन पे, लेट गो। अब हम लोग रूम थोड़ा प्यारा करके बैठते हैं आराम से, खाना तब तक आता है, फिर पैसे भी ढूंढने हमने, क्योंकि पैसे ना मिले तो मेरा खाना जाया। गाइस घर जो है ना वो मैंने सारा का सारा साफ कर दिया हुआ है, तो क्या नाम है मैट भी उठा दिया, अब मैं देखूंगी थोड़ा सा टीवी नेटफ्लिक्स वगैरह, उतनी देर तक मेरा खाना अब तक नहीं आया, कॉल करके पूछू कब आएगा, और फिर मामा से पैसे भी, मामा से कह रही हूँ अभी पैसे भी ढूंढने कहाँ रखे हैं। एसी तो चल गया, मजा आ गया बाहर ठंडक आ रही है, मजा आ गया यार। गाइस फाइनली ऑर्डर आ गया, मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ पे पड़े हुए, तो अब पता नहीं कहाँ यार, यहाँ पे तो बिल्कुल ही पड़े, किससे पूछूं पैसे कहाँ पे हैं। और रुको मुझे एक याद आ रहा है कि मामा के पास ना एक बैग है, उसमें शायद पैसे, वेट लेट मी चेक, यहाँ पे वो बैग कहीं पड़ा होता है, ये देखो गाइस यहाँ पे एक बैग पड़ा हुआ है, यहाँ इसके अंदर ही पैसे होने चाहिए, हम इसको पकड़ते हैं। मैं ना कब से मूवी देख रही थी जब तक मेरा ऑर्डर नहीं आया। क्या ये क्या खुल नहीं रहा, ये क्या आ गया। गाइस इतने ज्यादा पैसे निकले हैं मामा के बैग से, अब कितना बिल बना होगा, मैं 1000 रुपीज ले जाता हूँ, उसमें से जितना बना होगा वो उसका चीजें खाएंगे से, यहाँ ले जाती हूँ। फाइनली पैसे मिल गए, लेकिन अब मामा को नहीं बताना कि मैंने बाहर से ऑर्डर किया, बाहर वो अंकल खड़े हुए, तो जल्दी से लेके आते हैं, खाते हैं पीते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। क्या होता है होम अलोन होना थोड़ा सा बोरिंग भी है, क्योंकि मैं मामा को मिस कर रही हूँ, मैं सब बहनों को भी मिस कर रही हूँ, क्योंकि उनके होते हुए ज़्यादा फन होता है, लेकिन अकेले होते हुए मैंने वो चीज़ें की है जो मैं नहीं कर पाती, मतलब मेरी बहनें और उनके होते हुए सही है। मैंने आज बहुत मज़ा किया, खूब मज़ा किया, सफाई वगैरह भी करती है, ऐसी और ना चिलिंग चिलिंग चल रही है, आज ऑर्डर लाते हैं, खाते हैं, मूवी देखते हैं साथ साथ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ कि फिर कोई न्यू मस्ती के साथ आती हूँ। तो गाइस फाइनली जो है वो घर वाले आ चुके हैं सही है, इनकी यहाँ पे व्लॉगिंग चल रही है, घर तो बिल्कुल सफाई सुफाई लग रही है ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आकर डांटेगा और उनको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, बस कांच तक गिरा यहाँ पे तो लेट्स गो। और गाइस तो मम्मी अंदर आ चुकी है अपने बालों को स्ट्रेट स्ट्रूट करके, हेलो मम्मी। वाह जी वाह, जनम ने घर तो बड़ा साफ रखा, गंद शन तो नहीं मारा। अगर आप लोग मुझे होम अलोन छोड़ के जाओ तो आपको लगता है कि मैं गंद डालूंगी? लगता था मुझे, यकीन करो, वहां मैं परेशान थी, मैंने जाना हीरा को का हीरा, जैनब ने घर में ये ना तो भाई मचाई हो, किचन में घुसी हो, कुछ पुकारी हो। आपने मुझे बोला था कि कुछ फ्राई वगैरह कर लेना, लेकिन मैंने फ्राई नहीं, मैंने बाहर से ऑर्डर किया और आपके बैग से पैसे भी ले लिए। हाँ मुझे किसने बताया पैसे? मामा आपने मुझे बता के नहीं ना गई थी, मैंने आपके वो क्लोए वाला एक बैग पड़ा था काले रंग का, मैंने खोला, इतना बचती यार मुझसे, उसमें इतने ज्यादा पैसे थे, लेकिन मैंने फिर 1000 रुपए का कुछ मंगवा लिया था सही है, और खा भी लिया था, यमी इफ्तारी भी कर ली थी, और पता नहीं और तो कुछ भी नहीं हुआ था ना गाइस, कुछ भी नहीं हुआ था, काफी फन किया हमने, ऐसी घूमती रही, बोर होती रही, बस जैनब को केला छोड़ गया, लेकिन जैनब को शौक था केला रहने का, खुद ही बस शौक था, लेकिन अपनी अब मैं सबके साथ जाया करूंगी, वो कभी उस कमरे में जा रही थी, कभी उस कमरे में, समझ ही नहीं आता करूंगी क्या। खैर मजा आया आपको, ट्रीटमेंट क्या करा के आई हो? ये देखो बाल मम्मा करा के आई, मैं तो बाल स्ट्रेट करके वो लगूंगी, पता नहीं कौन वो एक कैमरा, मैं उसको नहीं जानती उसकी शक्ल से, चलो ओके। और गाइस तो मैं एंडिंग करना भूल गई थी एज यूजुअल, तो अभी मैं बाहर आई हुई तो मैं एंडिंग कर रही हूं, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, बाय बाय।